हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर कंपनी से रिजल्ट से रिलेटेड देखिए काफ़ी सारी कंपनी के रिजल्ट आए हैं उनके हम रिजल्ट देखेंगे जानेंगे कि किस तरीके के रिजल्ट आए और क्योंकि कुछ कंपनीज़ हमारे पोर्टफोलियो में है और कुछ कंपनी ऐसी है जो कि अच्छे खासे रिजल्ट देख रही दे, दे रखे हैं उनसे रिलेटेड कल वीडियो बनाएंगे तब उस बात करेंगे और अभी रिजल्ट देखेंगे तो बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ एज वेल एज़ हम यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आ गए हैं इंस्टाग्राम पे आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं ओके हमें फॉलो कर सकते हैं डूरिंग द डे कुछ भी एक्टिविटीज़ रहेगी तो वहाँ हम पोस्ट कर सकते आपके पास पोस्ट भी पहुंच जाएगी तो उसके लिए क्या करना है इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एज वेल एज यहां पर अबाउट पे जाएंगे तो यहां पर इंस्टाग्राम दे रखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे सीधे आपको इंस्टाग्राम पे ले जाएगा तो हमने यहाँ पर एक दूसरा माध्यम हमने चुना है सो दैट वी कैन ईजिली अप्रोच यू ओके सो दैट कुछ भी डूरिंग दि डे कुछ हो रहा है तो आपको क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स दे सके तो आगे वीडियो की तरफ चलते हैं और साथ में लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और तीन वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा चार्ट ऑफ द वीक तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड आपको पता है कितना बेमिसाल यहाँ पर शेयर है और इसके रिजल्ट अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है ये लास्ट क्वार्टर के सॉरी एक साल पहले के रिजल्ट है और ये प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट है अगर बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगी टोटल इनकम टोटल रेवेन्यू सीधे हम देखते हैं तो चालीस चालीस हजार तीन सौ सत्तान सत्तानवे लैसिंग रुपीज से पहले ट्वेंटी फोर थाउजेंड से पहले ट्वेंटी तो अगर हम बात करें एक साल पहले चौबीस था अभी कितना हो गया चालीस तो कितनी अच्छी जंप है और क्वार्टरली बेसिस पर भी देखे तो अठाईस हजार यहां पर चालीस हजार में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली बेस पर उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बट रेवेन्यू बढ़ रही है ये सबसे बेहतरीन है और इसके अलावा देखे एक्सेप्शन आइटम कुछ नहीं है बट अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आठ हजार चौरानवे लक्ष्मी रुपीज का प्रॉफिट है और इससे पहले एक साल पहले यहाँ पर सात हजार दो सौ उनतीस था और पिछले क्वार्टर सात हजार था, था तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया जो कि इसके ईपीएस में भी दिखाई दे रहा है तो विनाती ऑर्गेनिक को ध्यान में रखना ये शेयर के रिलेटेड हम कल की डेट में एक वीडियो अप बनाएंगे तब देखेंगे तो कि, कि, किस तरीके के यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है इसके फाइनेंशियल भी चेक करेंगे टेक्निकल भी देखेंगे तो इसके अलावा दूसरी कंपनी यहाँ पर अल्ट्रा कैब यहाँ पर एक कंपनी है इसके अगर देखें इन इनलक्स में रिजल्ट है सेम अगर पैटर्न अलग है इसका बट यहाँ पर यहाँ पर इस क्वार्टर के लिए रिजल्ट है एक साल पहले यहाँ है और क्वार्टरली बेसिस पे लास्ट

बेसिस पे गिरावट है तो यहाँ समझ सकते हैं हम क्या रीजन है तो इसी तरीके के रिजल्ट के आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन यहाँ पर एक रीजन हो सकता है तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ निगाहें बना के रखिएगा खरीदने की अभी कोई राय नहीं है बट अगर हम बात करें एक और कंपनी सूर्य रोशनी लिमिटेड लैक्स में रिजल्ट है सेम पैटर्न है अगर टोटल इनकम की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हमारे चैनल पर इन्वेस्ट फॉर एवर पीछे सूर्य रोशनी तो आपको पता चल जाएगा और क्वार्टरली बेसिस सी गिरावट है उसके पीछे का रीजन आपको पता ही है टोटल एक्सपेंस देखे एक लाख चालीस हजार एक लाख चौसठ हजार तो ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छी खासा परफॉर्म

इसके अलावा यहां पर देखते हैं रोल रिलैक्स ऑफ आपको पता ही है इन करोड़ में यहां पर रिजल्ट है

अच्छी गिरावट है मतलब 33 परसेंट के आसपास की गिरावट है तो इस चीज को हमें समझ के लेना होगा और देखना होगा कि हमें किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक रीजन ये भी है कि लास्ट क्वार्टर में सब कुछ ओपन होता हुआ दिखाई दिया था ओके यहाँ पर बात करें तो इसलिए यहाँ पर लोगों ने इकट्ठी यहां पर शॉपिंग करी थी बट अभी लोग एक बार शॉपिंग कर चुके थे ऑबेसी बात है बार बार यहाँ पर फुटवेयर नहीं लेते हैं वो दिखाई देंगे बट ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है तो यहां पर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को रख सकते हैं

एन के भी यहाँ पर रिजल्ट आ गए इन करोड़ में रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें तो सेम चार्ट पर, पर सेम क्वार्टर के रिजल्ट इसी तरीके से सेम पैटर्न में टोटल इनकम देखिए छब्बीस हजार आठ सौ दो इससे पहले अट्ठाईस हजार था इससे पहले चौबीस हजार तो ईयरली बेसिस पे जंप है क्वार्टरली बेसिस पे पर गिरावट है एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस देख एक सकते हैं तेईस हजार चौबीस हजार बीस हजार तो ईयरली बेसिस बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली बेस पे गिरावट है और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो इकतीस सौ पैंतालीस का यहाँ पर करोड़ का प्रॉफिट है इससे पहले चौबालीस सौ करोड़ का प्रॉफिट था इससे पहले चौबीस सौ तो ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है और एक चीज और यहाँ पर देखने की चीज है कि यहाँ पर इस केस में यहाँ पर एक्सेप्शन आइटम का भी आ, अगर बात करें यहाँ पर एक्सेप्शन आइटम भी दिख, दिखाई दिए है ओके इनकम में जिस वजह से यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी अगर बात करें यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है ओके तो इसलिए यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा बट यहाँ पर खरीदने की कोई राय नहीं है ये शेयर गवर्नमेंट शेयर है बढ़ता भी काफी कम है और इतने खास रिजल्ट भी नहीं है तो थोड़ा सा दूर रही है इसके अलावा देखते हैं एक और शेयर एल जो की लास्ट टाइम हमने अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बनाए थे ट्रेडिंग करके इन इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है ओके अगर बात करते हैं यहाँ पर टोटल इनकम की तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हम पर देखते हैं तो छत्तीस इन लैक्स में रिजल्ट है हाँ तो छत्तीस हजार नौ इन रुपीज से पहले अड़तालीस से पहले सत्रह तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पर लगभग दुगना परफॉर्मेंस किया क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर गिरावट है इसके अलावा बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की तो कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर बत्तीस हजार हुए इससे पहले इकतालीस हज़ार इससे पहले अठारह तो कंपनी के एक्सपेंस ईयरली बेसिस पर बढ़े हैं बट क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है बट यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर देखिए सब कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम का भी एडजस्टमेंट है यहाँ पर देखिए आठ सौ पर लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई दिया था और इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले यहाँ पर देखिए सैंतालीस लैक्स रुपीज का यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट में भी सॉरी uh, यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट हो सकती है और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे एक्सेप्शनल आइटम दिख दे, रहे हैं जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट

तरफ भी दीजिएगा तो इससे थोड़ा सा नजर बनाइएगा अभी खरीदने की राय नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर सॉरी ये शेयर काफी ऊपर उप, चाई पे चल रहा है आईडीएफसी की यहाँ पर बैंक के रिजल्ट आ गए इनलेक्स में रिजल्ट है यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न देखे तो देखिए इस बार की जो इंटरेस्ट अर्न है 40 सॉरी 4 लाख आठ ओके okay, लैक्सेंट रुपीज से पहले तीन लाख न्यानवे हजार इससे पहले तीन लाख चौरानवे हजार तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर यहां पर कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया इंटरेस्ट यहाँ पर अच्छा खासा अर्न हुआ है और इसके अलावा देखते हैं अदर इनकम तो नोट फाइव में है। नोट पर देखेंगे तो यहाँ पर अदर इनकम भी होती हुई अच्छी खासी होती नजर आ रही है टोटल इनकम देखे तो चार लाख तिरानवे हजार आठ सौ पांच लैक्सन रुपीज इससे पहले चार लाख तेरासी हजार पहले चार लाख तैंतालीस हजार तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस पे काफी अच्छा पर परफॉर्मेंस करके दिखाया और यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो तीन लाख तिरानवे सॉरी यहाँ पर इलेक्शन रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है इससे पहले चार लाख अठारह हजार इससे पहले तीन लाख चौवन हजार तो ईयरली बेसिस पे तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस भी कम हो गए ये यह सबसे यहाँ पर ब्यूटी वाली बात है इसकी एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनल आइटम तो कुछ नहीं है बट प्रोविजनिंग होती हुई नजर आ रही है प्रोविजनिंग देखे तो एक

हजार रुपीस का घाटा है इससे पहले बारह हजार का प्रॉफिट था इससे पहले नौ हजार तो कंपनी प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे घाटे में हमें दिखाई दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम एडजस्टमेंट क्योंकि यहां पर अब आ, हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर यहाँ पर देखते हैं

बताऊंगा ये शेयर में कितनी पोटेंशियल और पे पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है एक्सपेंस की बात करें एक्सपेंस भी क्वार्टरली बेस पे बढ़ रहे हैं एक पर देखिए नौ इससे पहले सौ पैंतालीस पहले बात करें दस हजार छप्पन लैक्स रुपीज का यहाँ पर बात करते प्रॉफिट फॉर द पीरियड की देखिए इकसठ सौ इक्कीस रुपीज का प्रॉफिट है, तो है जो कि इनके ईपीएस में भी पर जो कि आप देख सकते भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कंपनी के जो रिजल्ट थे स्टैंड लॉन है और यहाँ पर अगर बात करें कंसोलिडेट रिजल्ट तो कंसोलीट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं यहाँ पर तो वो भी ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस कंपनी की तरफ निकाय बनाइएगा लास्ट क्वार्टर में काफी बकवासी रिजल्ट थे बट

बेसिस पे एक्सपेंस बढ़ क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है और यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम का कोई एडजस्टमेंट नहीं है नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी अगर हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी में थोड़ी सी यहाँ पर आदि के लगभग 50 परसेंट गिरावट है अड़तीस सौ करोड़ सॉरी अड़तीस सौ तेरासी का यहाँ पर प्रॉफिट था जो कि 1931 रह गया है और क्वार्टरली बेसिस पे अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई है यह सबसे अच्छी बात है तो इस कंपनी की तरफ नजरें बनाइएगा बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर बट ये कंपनी जिस सेक्टर में यहाँ पर काम करती है शायद यहाँ पर अच्छा खासा भाग के दिखा सकती है तो एक दो कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन आए हैं इनकी तरफ निगाहें बनाइएगा ये कंपनी शायद आपको अच्छा खासा

चौतीस सौ तिरसठ करोड़ के यहां पर इनकम है इससे पहले इकतीस तिरानवे पहले पैतीस सौ तो ईयरली बेसिस पर देखिए यहाँ पर गिरावट है और इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है तो इस गिरावट के पीछे रीजन ये है कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर यहाँ पर लोगों जब को पेंडेमिक आया था ओके तो लोगों ने भर भर के यहाँ पर सामान लिया था बट इस बार जब पेंडेमिक आया था तो लोगों ने उतना सामान यहाँ पर लिया नहीं था जस्ट बिकॉज उन्हें पता थी कुछ भी बंद होने वाले नहीं वाला है लास्ट टाइम एकदम ही सोच रहे थे लोग कि महीनों भर तक सामान नहीं मिलेगा बट ऐसा नहीं था बट इस बार लोग थोड़े

हमारी समझ के पास है कि किस वजह से यहाँ पर रीजन मैंने आपको बताई दिया है और बात करें हम तो तो का हमेशा स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसे बनाते हैं मेरे पोर्टफोलियो में है और थोड़ा नीचे गिरेगा तो आई विल बाई आ, बाई इट अगेन क्योंकि तो यहाँ पर इसे सैंतीस सौ तक दोबारा जाना है तो बैंक सैलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर और हमारे इन वीडियो को भी जाके जरूर देखिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस